back to my channel. मैं हूँ अनिष्का और यह है मेरी बड़ी बहन दिव्या. क्या आपको पता है कि बड़ी बहन या फिर बहने होने का क्या फायदा होता है? बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसा कि जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो मेरा ही है सिर्फ. ओके ओके तो ऐसा नहीं है. सिस्टर्स में ये फायदा हो जाता है ना कि हम चीजें एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा शेयर कर सकते हैं और जो भी शॉप करेंगे वो ये भी पहनेगी, मैं भी पहनूंगी. तो इसलिए ना हमने मिंत्रा से बढ़िया बढ़िया पुल ओवर स्लैश स्वेटर्स ऑर्डर करे. क्यूट स्वेटर्स बहुत ही ज्यादा. तो उसे ना एक एक करके मैं ट्राई करूंगी और मेरी बहन रिव्यू दूंगी. हाँ, ये रिव्यू देने वाली ऑनेस्ट रिव्यू एज अ बिग सिस्टर. तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपनी बहन या फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड, जो भी आपकी फ्रेंड बहन जैसी, उसको शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो. चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो मेरी बहन फ्रेम से बाहर जा चुकी है क्योंकि वहीं बैठकर अपनी कमेंट्री करने वाली है और मैं यहाँ बैठकर आपको प्यारे चाहती हूँ. चल बातें कम कर और ये ट्राई करो. ओके ठीक है, ये हमारा पहला पार्सल. ओके ये देख रहे हो बहुत क्यूट लग रहा है यार. क्यूट तो लग रहा है, ऐसा लग रहा है बच्चों वाला होगा. हाँ, और मेरी सिस्टर कभी कभी बच्चों वाले कपड़े भी ले लेती है. हाँ, मैं किड सेक्शन जाके एक्चुअली शॉपिंग करती रहती इसलिए बोल रही हूँ. अच्छे मिलते हैं और सस्ते मिलते हैं. सो दिस इज द स्वेटर. ये मुझे कलर कॉम्बिनेशन में एवरीथिंग इज जस्ट वाओ. कैसा लग रहा है? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ. आजकल यही ट्रेंड में चल रहा है. तो ये मैं अभी तो मैंने फिलहाल ये डेनिम स्कर्ट पहनी है कटआउट वाली. तो इसको आप बहुत सारे वेज में स्टाइल कर सकते हो. इसमें ठंड नहीं लगने वाली, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है कैमरे के आगे. वो गॉड, ये सच में बड़ी मतलब बड़ी डील. हाँ, स्टील डील है. नेक्स्ट स्वेटर प्लीज. ओ भाई मेरा मुंह तो देख ले. इसको हम जल्दी से खोल लेते हैं. सो लास्ट टाइम मैंने जो H&M वाला लिया उसका पैटर्न इससे अलग है लेकिन कलर कॉम्बिनेशन सेम. वाओ अच्छा लग रहा है. वाओ गाइस, ये भी बहुत ज्यादा वार्म है. ओके सो दिस इज द स्वेटर. ये यहाँ तक है. हाफ टर्टल बोल सकते, जो भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं मम्मी? हाफ टर्टल जो भी है. तो ये बहुत ज्यादा वार्म है यार. सी बहुत ज्यादा क्यूट भी है, है ना? हाँ. और इसका कलर कॉम्बिनेशन एवरीथिंग इज टॉप नॉच. मुझे प्राइसिंग की रेंज में भी ये बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है. एंड या आई लाइक दिस वन. सो नेक्स्ट मुझे डरा रही फेंक दे यार. मुझे ऐसे लिटरली लगा मेरे मुंह पे फेंक देगी भाई. ओके सो नाउ वी हैव दिस लैवेंडर पर्पल, जो भी कलर आप बोलना चाहते हो, इसे ट्राई करके वो इंस्टाग्राम जो ट्रांजिशन होती है. और हमने स्वेटर पहन लिया. ये मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगा. आई मीन लुक एट द क्लाउड्स. वैसे तो क्लाउड्स हमेशा ब्लू में अच्छे लगते हैं लेकिन हमें पर्पल में भी अच्छा लगेगा. क्या बोलती हो? बहुत बढ़िया लग रहा है ना. ये बहुत ज्यादा गर्ली कलर है और आप इसमें डेनिम के साथ एक्चुअली सबसे ज्यादा बेस्ट जाएगा और व्हाइट ट्राउजर. हाँ व्हाइट वो भी अच्छा है लेकिन द ओनली इशू इज एक बहुत ज्यादा इसकी लाइनिंग, मतलब ये बहुत पतला सा टाइप का नेट तो आपको बहुत ज्यादा ठंड से नहीं बचा पाएगा बेचारा. लेकिन क्यूटनेस में और फोटोज के मामले में ये सबसे बेस्ट है, नंबर वन. वैसे मैं सोच रही थी मैं अपनी बहन से शेयर ना करूं, इसके लिए मुझे थोड़ा सा लालच आ गया. ये बगल में बैठ से वैसे वहीं से मुझे ताड़ रही है. नेक्स्ट. हाँ चिंता मत कर. तो चिंता मतलब सब गायब सब. जो ऑनलाइन देखा था बहुत बढ़िया लग रहा था, फिर सामने से मैंने इसको देखा ऐसे हाथ पे तो मुझे बहुत बढ़िया लगा. अब मैंने पहन लिया है, मुझे फिर से क्यूट लग रहा है यार. तो इसका मतलब आपकी अनिष्का दीदी पागल हो चुकी है. मतलब आपका क्या कहना, सामने से थोड़ा वियर्ड लग रहा था बट अभी तो क्वालिटी वाइज मुझे अच्छा लग रहा है, नो डाउट. बट डू यू थिंक गाइज ये आपको कैसा लग रहा है? पहन के देखने में ना एक अलग ही बात लगती है. और आप इसको ट्राई करना चाहोगे कि नहीं मुझे भी बताना. नहीं नहीं नहीं. वैसे मैं स्वेटर के लिए दो तीन लाइनें और बोलना चाहती लेकिन मेरे बस इतना ही. इतनी लाइनें काफी. तो अब हम ट्राई करते हैं अपना नेक्स्ट स्वेटर. ओ भाई ये कितना हल्का स्वेटर है. ये रहा मेरा स्वेटर यार. ये क्या मजा आ गया इसलिए ज्यादा मदद
और छोटा हो जाएगा ये ये इतना मतलब आई नो कि ये क्रॉप्ड था। मैंने एक नॉर्मल टिपिकल इंस्टाग्रामर लड़की की तरह सोचा था कि मैं स्वेटर को यू नो ऑर्डर करूंगी पहनूंगी और इसमें लिखा है क्या लिखा फॉरएवर गॉर्जियस बट अब मैं इसको नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि बहुत छोटा है मुझे बहुत ठंड लगती है मुझे जब तक यहाँ तक मेरे हाथ ना पहुंचे ना स्वेटर्स में तो अब तक मुझे पसंद नहीं आता और मुझे लग रहा है कि मेरी बहन पे तो और नहीं आएगा यू नो शी इज बिगर देन मी एक स्वेटर ना मैंने ऐसा सॉफ्ट डेलिकेट एलिगेंसी वाला भी ऑर्डर करा है और चल उसको ट्राई कर लेते पहले बहुत घटिया कैच कराती हूँ मम्मी का है ये तो झुझोला लग रहा है झबरा लग रहा है झबरा 1 2 3 ट्रांजिशन नंबर पता नहीं जिप मैंने स्वेटर पहन लिया और ये लिटरली क्या मजाक चल रहा है यार ये स्मॉल साइज है लिटरली बहुत ज्यादा लूज है मतलब आई नो विंटर्स में कोई इतना फिट तो नहीं पहनता है हाँ. है ना लेकिन ये मेरे और मेरे जीजी के साइज का बिल्कुल भी नहीं है ये तो ऐसा लग रहा है वो छोले डांस करते हैं ना और वो केड्रामा में दादियां नहीं बनती जो वो पहनती है ऐसे तो अगर हम क्वालिटी की बात करें तो डिसेंट है मतलब अच्छा फैब्रिक लग रहा है फैब्रिक नहीं वुलन लग रहा है मुझे और क्योंकि मुझे इशू ये लग रहा है कि अगर हम इसे ज़्यादा वॉश करेंगे इस टाइप के फैब्रिक को तो वो लूज बहुत ज़्यादा होता रहता है ना फिर हमारे पहनने लायक नहीं होता है सो दिस इज़ वन ऑफ देम और बाकी तो आपको दिख ही रहा है बेज कलर मुझे लगा थोड़ा क्यूट और यू नो थोड़ी रिचनेस ऐड करता है आपके आउटफिट्स में तभी मैंने और अपनी सिस्टर के लिए इसे ऑर्डर करा था लेकिन इसने दिल तोड़ दिया नेक्स्ट वन Now let's talk about this one. ये मेरा बहुत ज़्यादा favorite है. एक तो cropped है. ऊपर से इसके color combination black sweater है. और दूसरी बात ये मेरी बहन को fit नहीं आ रहा था. इसलिए से मैं पहनूंगी. और वैसे भी इसमें sleeves होता ना तो अभी ले लेती मैं इसको. देखती भी नहीं. मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहती हूँ मुझे somehow ये डाउट था कि क्योंकि ये क्रॉप स्वेटर है और कट स्लीव है तो मे बी ये मुझे यू नो टाइट या फिर शॉर्ट पड़ सकता है और मेरा अंदाजा एकदम सही था मैंने इसे मीडियम साइज में ऑर्डर करा है स्टिल ये मुझे थोड़ा ज्यादा मतलब थोड़ा सा शॉर्ट लग रहा है तो अगर आपका जो भी साइज है अगर आपका साइज मीडियम है तो आप लार्ज ऑर्डर करना और लार्ज है तो एक्सेल करना अगर अवेलेबल होगा तो मेरा स्मॉल था इसलिए मैंने मीडियम ऑर्डर करा तब जाके मुझे थोड़ा ठीक आ रहा नहीं तो मुझे लग रहा है अगर मेरे स्मॉल मंगाया होता ना मेरा दिल टूट जाता कंफर्टेबल है और अंदर से ऐसे छुप भी नहीं रहा है एक दो स्वेटर है जो हल्का सा मुझे लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ गरम गरम पहना है ये बहुत कोजी स्वेटर है और ये मेरा है नहीं ये मैं पहले पहन के जाऊंगी चीटिंग और ये वैसे ना कस्टर्ड वाला जैसे आलिया भट्ट ने कस्टर्ड साड़ी निकाली थी ना और ये अब तू ये हाँ स्वेटर निकाल दे यस वो कस्टर्ड साड़ी बीच में बड़ी ट्रेंड करी थी अभी कस्टर्ड स्वेटर इसका नाम मैंने कस्टर्ड स्वेटर रख दिया है अगर आपको चाहिए इसका लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो गाइस ये बहुत क्यूट है हाँ क्यूट सा लग रहा है ना ये मेरा हुआ ये तो नहीं पहनूंगी चलो निकलो मैं चाहती थी ये सिलसिला पूरा दिन चलता रहे मैं नए नए स्वेटर्स ट्राई करते रहूं लेकिन पैसा खत्म हो गया था तो इसलिए हमने हमारे पास था लास्ट स्वेटर बचा कैच तो ये है हर लड़की की पसंद पिंक कलर मुझे ज्यादा पसंद नहीं है बट अनफॉर्चुनेटली मेरी वार्डरोब में ये कलर आपको मिल जाएगा हर जगह मुझे लिटरली खुशी के बारे रोना आ रहा है कि मैंने कैसे मंगा लिया और कैसे मेरे को एकदम रिकमेंड हो गया वैसे तो अभी तक मैंने जितने भी स्वेटर्स ऑर्डर करे थे ये पहला होता है जिसको देख के ना मेरी आंखों में से स्टार्स आ गए थे मैंने दी को दिखाया था उसने कहा हाँ ठीक है मंगा ले मतलब शी इज नॉट इनटू यू नो पिंक टाइप ऑफ कलर्स बच्चों वाला स्वेटर लग रहा है इसे पता है बच्चों की चीजें कैसे चुरानी ये बच्चों की नहीं है ये बच्चों वाली है यार मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगी इसकी बातें मत सुनो ये बच्चों की नहीं है सो इट्स वेरी कोजी वेरी कंफर्टेबल और इसका हुड भी ट्राई कर लेते हैं एक बार मेरी बहन अपने फोन को साइलेंट करना भूल गई
गलती गाइस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आज का वीडियो बेसिकली ये था कि जितनी भी बहनें हैं वो अपनी चीजें शेयर करें और बढ़िया बढ़िया आउटफिट्स को बिल्ड करें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। अपनी सिस्टर्स के साथ भी शेयर कर देना, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार सब्सक्राइब करके जाओ, रेड बटन को ग्रे कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। हम मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। तू मुझे ना बकवास मत कर, क्योंकि ये वाला मैं पहन लूंगी, ठीक है? तू चुप हो जा। अरे मोहन, मैंने नॉक किया, किधर से मुझे मौके पे आपसे बात।